शिरडी के पास काली मंदिर के आगे एक चाय नाश्ते की दुकान है. उसका मालिक साफ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देता और अगर उसे टोका जाता है तो वो बहस करता है. आप उस इलाके के अधिकारी हैं तो आपका कर्तव्य है कि उस पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और दुकान को बंद करवाइए. जैसा आपका आदेश सर, ये काम अभी हो जाएगा. बेटा, क्यों किसी गरीब को परेशान कर रहे हो? क्या मिलेगा उसकी दुकान बंद करके? बाबा, बात अमीर गरीब की नहीं है, बात सही गलत की है. और वैसे भी वो हमसे बहस कर रहा था. अब उसे पता चलेगा ये क्या हो रहा है. ये क्या बदतमीजी है? दम घोट के मार देना चाहते हो क्या? माफ कीजिएगा, मैं पूजा कर रही थी. मुझे नहीं पता था कि धुआं आपके कमरे तक जा रहा है. अगर खिड़की के आगे धुआं लगाओगी तो कमरे के अंदर तो जाएगा ही ना. इतनी सी अकल नहीं है क्या तुम्हें? बेवकूफ कहीं के, जरा सी अकल भी नहीं है. बस करो दिगंबर, कुछ भी बोले जा रहे हो. ऐसे जाहिल लोगों को अगर ना बोला जाए ना तो सर पे चढ़ जाते. बेटा, कभी तो सोच के बोला करो. गौरी ने जानबूझ के नहीं किया है और उसके लिए उसने माफी भी मांगी है. बाबा, आप ही के कारण कह रहा हूं. आप बीमार हैं और धुएं से और तबीयत खराब आपकी होगी तो. लेकिन नहीं, आपको तो मेरी गलती ही नजर आती है. मुझे पहले ही लग रहा था यहां रुककर मैंने बहुत बड़ी गलती की. वो इतना कुछ कहकर चले गए पर आप अब भी चुप हैं? गौरी, तुमने देखा ना, जो इंसान अपने पिता की नहीं सुन रहा है वो हमारी क्या सुनेगा? उस इंसान को कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं होगा. अब मुझे ही कुछ करना होगा. दिगंबर, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया. अब बताओ, इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? साईं, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया पर मैं माफी चाहता हूं आपसे. दिगंबर, तुम्हारी कचौड़ी में जो बाल आया था वो भी अनजाने में ही आया था. जानबूझ कर नहीं डाला था उस हलवाई ने. लेकिन फिर भी तुमने उस हलवाई को कितनी बड़ी सजा सुना दी. तुमने साफ सफाई ना रखकर नियमों का उल्लंघन किया है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है. इसीलिए कल तक तुम्हें तुम्हारी दुकान के सील करने के आदेश मिल जाएंगे, समझे? तो उस हिसाब से मुझे भी तुम्हें सजा सुनानी चाहिए, है ना? साई, वो हलवाई खाने के पैसे लेता है तो उसकी जिम्मेदारी सफाई रखना. तुम सबको नियम सिखाते हो ना, तो फिर तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि खुद नियमों का पालन करें. सही और गलत में तुम विश्वास करते हो, तो यहां तो तुमने मटका तोड़कर गलत किया है. तो अब जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा. और मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यही सही है. आओ संतोष. साईं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी.
लेकिन पहले मैं आया हूं। जानता हूं दिगंबर, लेकिन बात तो तुम दोनों को एक ही करनी है। साईं, आप जानते हैं कि मेरे बाबा आपकी आज्ञा के बिना यहां से जाएंगे नहीं, और उनको अकेला छोड़ के मैं यहां से जा नहीं सकता, और यहां मैं रुकना चाहता नहीं। इनके पास तो यहां रुकने का कारण है क्योंकि इनके पिताजी की तबीयत खराब है, लेकिन मैं और गौरी यहां शिरडी में, खास तौर पर दीक्षित वाड़ा में क्या कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। साईं, आपको जो चाहिए मुझसे बोलिए, मैं आपको लाके दूंगा, बस मेरे बाबा को यहां से जाने की आज्ञा दे दीजिए। साईं, मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकता, मुझे मेरी दुकान चलानी है, और श्यामलाल जी भी पैसे देने के लिए आने वाले थे। साईं, मुझे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए जाना ही होगा। ठीक है, तुम दोनों जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे परिवार वालों से कह दूंगा कि वो शिरडी से चले जाए। साईं, आप जल्दी से बताइए, जो भी काम है मैं अभी कर दूंगा। दीक्षित वाड़ा का संचालक और वहां का सेवक कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहा है, संचालक के घर में शादी है उसके लिए, और सेवक भी वहां आमंत्रित है, और शादी ब्याह के काम के लिए वो वहां जाना चाहता है, इसलिए दो दिनों के लिए तुम दोनों अगर दीक्षित वाड़ा का संचालन और सारी व्यवस्था देख लो तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। साईं, मैं यहां से जाना चाहता हूं और आप मुझे ये काम बता रहे हैं। दिगंबर, क्या तुम अपने पिता की तबीयत बेहतर होते देखना नहीं चाहते? मैं उनका इलाज करता रहूंगा, लेकिन बदले में क्या तुम्हारा भी ये फर्ज नहीं कि तुम मेरी ये छोटी सी मदद कर दो? साईं, कितने दिनों के लिए करना होगा ये काम? चलो, दिन भूल जाओ, किसी भी एक श्रद्धालु का दिल जीत के दिखाओ। तुम दोनों में से जिसने भी किसी एक भक्त को प्रसन्न किया और उसने यहां आकर तुम दोनों में से जिसकी भी प्रशंसा की, वो यहां से खुशी खुशी जा सकता है, और जो ना कर पाया वो यही रुक के कोशिश करता रहेगा। बोलो, मंजूर है? आप दोनों को रखे संचालन इस धर्मशाला का। साहब, जब से ये दोनों आए हैं तब से इन्हें झगड़ने से फुर्सत ही नहीं है, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया तो यहाँ तो भूचा लिया जाएगा। ठीक कहा, लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कि साई ने कहा है कि वो किसी और को बेच देंगे। जी देखिए, साई ने हमें ही संचालन के लिए भेजा है। हम इसलिए ये कर रहे हैं, वरना हमारी कोई इच्छा नहीं थी। जी, करना तो मैं भी नहीं चाहता था, मेरी तो मजबूरी है। अच्छा, लेकिन आप दोनों में से तो संचालक एक ही होगा और एक सेवक होगा। मैं बनूंगा संचालक। मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, मुझसे बेहतर संचालन कोई नहीं कर सकता। ये देखिए, अपनी दुकान चलाने का तजुर्बा मेरे पास भी है, एक धर्मशाला है, और धर्मशाला के संचालन के लिए इंसान का मृदुभाषी होना जरूरी है, और उसे सब्र भी होना चाहिए, इसीलिए संचालक मैं ही बनूंगा। ओ गया बंताधर, साई मेरी मदद कर रहे हैं या मेरी परीक्षा ले रहे हैं? अपनी बकवास बंद करो और बताओ संचालक का कार्य क्या है। ठीक है, चलो आप दोनों भी संचालक बन के रहिए, लेकिन काम आपको सारे करने होंगे, हर एक कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा, पानी भरकर रखना, और आने वाले यात्रियों के खाने का प्रबंध करना, हर एक को कमरा देना, और याद है ना, एक परिवार एक कमरा। हाँ ठीक है। और हाँ, यहाँ पे साई के श्रद्धालु आते हैं तो ध्यान दीजिएगा,
किसी को शिकायत का मौका ना मिले। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।